कतिरा 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी थरुण सदेर ने की। हरी सराफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट, आराधना राम रजकपति बाबू हैं। मसीकी भी हरी कृष्णा ने तरतीब दी है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतीरा थिएटर लेस पोस्टर थरुण सदेर की है। जरिए हदायतकार थरुण सदेर की तहरीर करदा जगदीश कुमार को राख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राज ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक कस्बी हरी कृष्णा पैदावार कंपनी राख लाइन एंटरटेनमेंट्स। तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023। वक्त चल रहा है 183 मिनट। मुल्क हिंदुस्तानी जुबान। कंट्री का बजट 45 करोड़। बॉक्स ऑफिस 23.34 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खुलासा, भीमा नाहली में एक लोहार कतीरा को अपने गांव के किसानों को जमीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मुतअद्दी चैलेंजों से निपटता है, ताकि किसानों को जागीरदारों, देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कतीरा के तौर पर दर्शन, आराधना राम बतौरे प्रभावती, जगपति बाबू बतौरे देवराया, कुमार गोविंद बतौरे महादेवना, शरवती बतौरे कुमारी चौगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार, मास्टर रोहत बतौरे पटारा, जो अविनाश बसी है शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट। फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौका पर थरुण सदेर ने ज्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्री नवास घोड़ा ने तैयार किया था, जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को एक पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है, जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बाद में जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया, जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यूटेंट आराधना राम को शामिल किया, जो अदाकारा मलिया श्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्वान कतीरा था, जो कर्नाटक में मशहूर देवी कातरमा पर मंबी है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पन्नी ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महर्ता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलोरों और हैदराबाद के मुख्य मकाम पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया, जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरी कृष्णा दर्शन के तवील अरसे सेवी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद, हेमनत, रक्षिता सुरेश, कतीरा थीम सॉन्ग पेंट, आर्या निर्वदा शास्त्री, अभिषेक एम आर, मधुश भरद्वाज, विशाख नागा लपूरा, अनबारागा का सीलाब, युगराज बाटवानी, हरी कृष्णा। रिलीज एडिट इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज करना था, जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 के खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म
के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट जी फाइव और जी कनेडा। इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी यूनियन एक्सप्रेस के शिरथा ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है, अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टारकारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है, दर्शन वापसी पर खुश आमदीद। अदाकार ओ टी टी प्ले के सौरभ कदोर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है, थ्रोन से देर की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक MV ने एक फैसला किया, दर्शन की बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजू से नजरें नहीं चुराता, क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई, जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय व कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सलादादो शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजय वानी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया, जो तिजारती अदाद शुमार और सरकारी अदाद शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। OTT प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह 2 दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि 2 दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डेक्कन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरा ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का। कम आजाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था, जबकि बनाने वालों के जरिए ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती अदादोशुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमुई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन की सरकारी मजमू अदादोशुमार ट्रैक करदा अदाद शुमार के दरमियान फर्क 50 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी अदाद शुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फर्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें, जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थडे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बरजास्त किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपनी पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बरजास्त किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने थ्रोन श्रीदेवी के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बर्जाश्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी थ्रोन श्रीदेवी ने की और इसे राफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट, आराधना राम और जगपति बाबू हैं। मसीकी भी हरी कृष्णा ने तरतीब दी है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तुरंत सदीर की है जरिए हिदायतकार तुरंत सदीर की तहरीर करदा जगदीश कुमार को राख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक कस्बी हरी कृष्णा
पैदावार कंपनी रॉक लाइन एंटरटेनमेंट्स, तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023, वक्त चल रहा है 183 मिनट, मुल्क हिंदुस्तानी जुबान, कंट्री का बजट 45 करोड़, बॉक्स ऑफिस 23,034 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खुलासा, भीमा नाहली में एक लोहार कटीरा को अपने गांव के किसानों को जमीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मुतअद्दिद चैलेंजों से निपटता है, ताकि किसानों को जागीरदारों, देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कटीरा के तौर पर दर्शन आराधना राम बतौरे प्रभावती, जगपति बाबू बतौरे देवराया, कुमार गोविंद बतौरे महादेवना, शरवती बतौरे कुमारी, चौगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार, मास्टर रोहत बतौरे पटा, राजो अविनाश बसी शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट, फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौका पर तुरंत श्रीदेव ने ज्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्रीनिवास गौड़ा ने तैयार किया था, जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को एक पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है, जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बाद में जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया, जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यूट एंड आराधना राम को शामिल किया, जो अदाकारा मलिया श्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्वान कतीरा था, जो कर्नाटक में मशहूर देवी कातरमा पर मंबी है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पन्नी ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम, प्रिंस पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महर्ता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलोरु और हैदराबाद के मुख्तलिफ मकाम पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया, जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरि कृष्णा, दर्शन के तवील अरसे सेवी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद, हेमनत रक्षिता, सुरेश का तीरा, थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री, अभिषेक एम आर मधुश पर भरद्वाज, विशाख नागा लपूरा, अनबारागा का सीलाब, युगराज बाटवानी, हरि कृष्णा। रिलीज एडिट, इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज करना था, जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 के खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट जी 5 और जी कनेडा। इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी यूनियन एक्सप्रेस के शर्था ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है, अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज ने। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री देवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टारगारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है।
अब ये कहने का अच्छा वक्त है, दक्षिण वासी पर खुश आमदी। ददाकारो टी टी प्ले के स्वरूप कदोर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा के चैलेंजिंग स्टारिंग दक्षिण ठोस है। तुरंत से देर की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक एम वी ने एक फैसला किया, दर्शन की बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजूद से नजर नहीं चुराता, क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई, जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सलादादोशुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजय वानी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया, जो तजारती अदादोशुमार और सरकारी अदादोशुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। ओटीटी प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह दो दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि दो दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डेकन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरण ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का कम। आजाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था, जबकि बनाने वालों के जरिए ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती अदादोशुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमुई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन की सरकारी मजमू अदादोशुमार ट्रैक करदा अदादोशुमार के दरमियान फर्क 50 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी अदादोशुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फर्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें, जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थडे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बाजार किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपने पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बाजार किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने तुरंत सिद्धर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बाजियाफ्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी तुरंत सिद्धर ने की। हरी सराफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट, आराधना राम और जगपति बाबू हैं। मसीकी भी हरी कृष्णा ने तरतीब दी है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तुरंत सदीर के है जरिए हिदायतकार तुरंत सदीर की तहरीर करदा जगदीश कुमार को राख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक भी हरि कृष्णा पैदावार कंपनी राख लाइन एंटरटेनमेंट्स तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्त चल रहा है। 183 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान कंटर का बजट 45 करोड़ बॉक्स ऑफिस 23.34 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खलासा भीमा नाहली में एक लोहार कतीरा को अपने गांव के किसानों को जमीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मतअदी चैलेंजों से निपटता है, ताकि किसानों को जागीदारों देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके।
के तीरा के तौर पर दर्श नारदना, राम बतौरे प्रभावती, जगपति बाबू बतौरे देवराया, कुमार गोविंद बतौरे महादेवना, शरवती बतौरे कुमारी चौगना के तौर पर वैजनाथ बिरादार, मास्टर रोहत बतौरे पटारा, जो अविनाश बसी शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट। फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौका पर तुरंत श्रीदेव ने ज्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इफ्तिताही तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्रीनिवास गौड़ा ने तैयार किया था, जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को एक पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है, जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बाद में जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया, जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यूटेंट आराधना राम को शामिल किया, जो अदाकारा मलिया श्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्वान का तीरा था, जो कर्नाटक में मशहूर देवी कातरमा पर मंबी है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्य शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पन्नी ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम प्रिंस पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महर्ता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलोर और हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया, जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरी कृष्णा दर्शन के तवील अरसे सेवी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद, हेमनत, रक्षिता सुरेश का तीरा, थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री, अभिषेक एम आर मधुश भरद्वाज, विशाख नागा लपुरा, अनबारागा का सीलाब, युगराज बाटवानी, हरी कृष्णा। रिलीज एडिट इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज़ करना था, जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 को खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट जी 5 और जी कनेडा। इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी यूनियन एक्सप्रेस के श्रद्धा ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है, अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज ने। दी टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टार गारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है। दर्शन वापसी पर खुश आमदीद अदाकार ओ टी टी प्ले के स्वरूप कदोर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है। थ्रोन से देर की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक एम बी ने एक फैसला किया, दर्शन के बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजूद से नजर नहीं चुराता, क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है।
बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय व कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सालाना शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजय वानी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया जो तजारती अदाद शुमार और सरकारी अदाद शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। OTT प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह दो दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि दो दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डेक्कन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरा ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का कम। आजाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था जबकि बनाने वालों के जरिए ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती अदादशुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमुई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह चार दिन के सरकारी मजमू अदादशुमार ट्रैक करदा अदाद शुमार के दरमियान फर्क 50 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी अदाद शुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फर्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थडे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बाजियाफ्त किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपने पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बाजियाफ्त किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने थ्रोन सीधर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बाजियाफ्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी थ्रोन सीधर ने की। हरी सराफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट आराधना राम और जगपति बाबू हैं। मसीह की भी हरी कृष्णा ने तरतीब दी है जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तरुण सदीर के है जरिए हिदायतकार तरुण सदीर की तहरीर करदा जगदीश कुमार और राख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक भी हरि कृष्णा पैदावार कंपनी राख लाइन एंटरटेनमेंट तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्त चल रहा है। 183 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान कंट्री का बजट 45 करोड़ बॉक्स ऑफिस 23.34 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खुलासा भीमा नाहली में एक लोहार कतीरा को अपने गांव के किसानों को ज़मीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मुतअद्दी चैलेंजों से निपटता है ताकि किसानों को जागीदारों देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कतीरा के तौर पर दर्शन आराधना राम बतौरे प्रभावती जगपति बाबू बतौरे देवराया कुमार गोविंद बतौरे महादेवना शरवती बतौरे कुमारी चौंगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार मास्टर रोहत बतौरे पटारा जो अविनाश बसी शान भोगा
प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट। फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौका पर तुरंत श्रीदेव ने ज्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्रीनिवास गौड़ा ने तैयार किया था, जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को एक पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है, जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बाद में जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया, जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यू टेंडर रत्ना राम को शामिल किया, जो अदाकारा मलिया श्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्नान का तीरा था, जो कर्नाटक में मशहूर देवी का तर्मा पर मम्बी है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पन्नी ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महर्ता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलुरु और हैदराबाद के मुख्य मकाम पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया, जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरी कृष्णा दर्शन के तवील अरसे सेवी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद हेमनत रक्षिता सुरेश का तीरा थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री अभिषेक एम आर मधुश भरद्वाज विशाख नागा लपुरा अनबारागा का सीलाब योगराज बाटवानी हरी कृष्णा। रिलीज एडिट इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज करना था, जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 के खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट जी 5 और जी कनेडा। इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी यूनियन एक्सप्रेस के श्रद्धा ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है, अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टारकारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है। दर्शन वापसी पर खुश आमदीद अदाकार ओ टी टी प्ले के सौरभ कदोर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है। थ्रोन श्रीदेव की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक MV ने एक फैसला किया। दर्शन के बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजू से नजरें नहीं चुराता, क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई, जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय व कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सालाना शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं।
विजयवाणी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया, जो तजारती अदादशुमार और सरकारी अदादशुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। OTT प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह दो दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि दो दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डेक्कन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरण ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का कम। आजाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था, जबकि बनाने वालों के जरिए ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती अदादशुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमुई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन के सरकारी मजमू अदादशुमार ट्रैक करदा अदादशुमार के दरमियान फर्क 50 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी अदादोशुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फ़र्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें, जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थ अड्डे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बाजार किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपने पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बाजार किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने थ्रोन सीधर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बर्जाश्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी थ्रोन सीधर ने की। हरीश सराफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट आराधना राम और जगपति बाबू हैं। मसीकी भी हरी कृष्णा ने तरतीब दी है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तुरंत सदीर के है जरिए हदायतकार तुरंत सदीर की तहरीर करदा जदीश कुमार और आख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक कस्बी हरी कृष्णा पैदावार कंपनी रॉक लाइन एंटरटेनमेंट। तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्त चल रहा है। 183 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान कंट्र का बजट 45 करोड़ बॉक्स ऑफिस 23.34 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खुलासा भीमा नाहली में एक लोहार कटीरा को अपने गांव के किसानों को ज़मीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मुतअद्दी चैलेंजों से निपटता है ताकि किसानों को जागीरदारों देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कतीरा के तौर पर दर्शन आराधना राम बतौरे प्रभावती जगपति बाबू बतौरे देवराया कुमार गोविंद बतौरे महादेवना शरवती बतौरे कुमारी चौंगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार मास्टर रोहत बतौरे पटा राजो अविनाश बसी शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौका पर तुरंत सिदेर ने ज़्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्री नवास घोड़ा ने तैयार किया था जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है, जिस ने फिल्म के
इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बादशाह जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया, जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यू टेंडर रत्ना राम को शामिल किया, जो अदाकारा मलयाश्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्नान का तीरा था, जो कर्नाटक में मशहूर देवी का तर्मा पर मुंबई है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिशवा शिशियारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पन्नी ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम प्रिंस पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महर्ता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलोरु और हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया, जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरी कृष्णा दर्शन के तवील अरसे से भी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद हेमनत रक्षिता सुरेश का तीरा थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री अभिषेक एम आर मधोश पर भरद्वाज विशाख नागा लपूरा अनबारागा का सीलाब युगराज बाटवानी हरी कृष्णा रिलीज एडिट इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज करना था, जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 के खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट Z5 और Z कनाडा। इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी यूनियन एक्सप्रेस के शर्था ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने बियन को महसूस किया है, अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज ने। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टारगारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है। दर्शन वापसी पर खुश आमदीद अदाकार OTT प्ले के स्वरूप कदौर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है। थ्रोन श्रीदेव की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक MV ने एक फैसला किया। दर्शन के बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजूद से नजरें नहीं चुराता, क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई, जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सलादादा शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजय वानी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया, जो तजारती अदादा शुमार और सरकारी अदादा शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। OTT प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह दो दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि दो दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डिकन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरा ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का कम। अदादशुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ
27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था, जबकि बनाने वालों के ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती शुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमूई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन की सरकारी मजमू आदाद शुमार ट्रैक करदा आदाद शुमार के दरमियान फर्क 50 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमूई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी आदाद शुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फर्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें, जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थडे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बर्खास्त किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपनी पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बर्खास्त किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने थ्रोन सीजर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बर्खास्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी थ्रोन सीजर ने की। हरी सराफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट, आराधना राम और जगपति बाबू हैं। मसीकी भी हरी कृष्णा ने तरतीब दी है, जबकि सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तुरंत सदीर की है जरिए हिदायतकार तुरंत सदीर की तहरीर करदा जदीश कुमार को राख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक भी हरि कृष्णा पैदावार कंपनी राख लाइन एंटरटेनमेंट तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्त चल रहा है। 183 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान कंटर का बजट 45 करोड़ बॉक्स ऑफिस 23.34 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खुलासा भीमा नाहली में एक लोहार कतीरा को अपने गांव के किसानों को जमीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मतदी चैलेंजों से निबटता है, ताकि किसानों को जागीदारों देवेरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कतीरा के तौर पर दर्शन, आराधना राम बतौरे प्रभावती, जगपति बाबू बतौरे देवराया, कुमार गोविंद बतौरे महादेवना, शरवती बतौरे कुमारी चौंगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार, मास्टर रोहत बतौरे पटा, राजो अविनाश बसिया शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौके पर तुरंत सिदेर ने ज्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्री नवास घोड़ा ने तैयार किया था, जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है, जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बाद में जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया, जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यूटेंट आराधना राम को शामिल किया, जो अदाकारा मलिया श्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्वान कतीरा था, जो कर्नाटक में मशहूर देवी कातरमा पर मुंबई है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पनी ने लिखा है।
मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम प्रिंस पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महर्ता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलुरु और हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया, जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरि कृष्णा दिग्दर्शन के तवील अरसे से भी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद हेमनत रक्षिता सुरेश का तीरा थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री अभिषेक एम आर मधुश पर भरद्वाज विशाक नागा लपूरा अनबारागा का सिलाब युगराज बाटवानी हरि कृष्णा रिलीज एडिट इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज़ करना था, जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 को खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट जी 5 और जी कनेडा इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी यूनियन एक्सप्रेस के शर्था ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है, अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज ने। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टार गारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है, दर्शन वापसी पर खुश आमदीद। अदाकार ओ टी टी प्ले के स्वरूप कदौर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है। थ्रोन सिदेर की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक एम वी ने एक फैसला किया, दर्शन की बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजूद से नजर नहीं चुराता, क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई, जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है, जबकि विजय कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सलादाद शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजय वानी ने पहले दिन का मजमू 14.89 करोड़ बताया, जो तजारती अदाद शुमार और सरकारी अदाद शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। ओ टी टी प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमू 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह दो दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि दो दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डिकन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरा ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का कम। आजाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था, जबकि बनाने वालों के जरिए ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती अदादशुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमुई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन के सरकारी मजमू अदादशुमार ट्रैक करदा अदाद शुमार के दरमियान फर्क 50 से ज्यादा होगा।
नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है ऐलान करदा सरकारी अदादोशुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फ़र्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थडे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बर्खास्त किया गया कतीरा मूवी। देवी कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपने पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बर्खास्त किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने थ्रोन सीधर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बर्खास्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी थ्रोन सीधर ने की। हरी सराफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट, आराधना राम और जगपति बाबू हैं। मसीकी भी हरि कृष्णा ने तरतीब दी है जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तरुण सदेर के है जरिए हदायतकार तरुण सदेर की तहरीर करदा जगदीश कुमार को राख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक कस्बी हरि कृष्णा पैदावार कंपनी राख लाइन एंटरटेनमेंट्स तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्त चल रहा है। 183 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान कंट्री का बजट 45 करोड़ बॉक्स ऑफिस 23.34 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खुलासा भीमा नाहली में एक लोहार कतीरा को अपने गांव के किसानों को ज़मीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मतदी चैलेंजों से निबटता है ताकि किसानों को जागीदारों देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कतीरा के तौर पर दर्शन, आराधना राम बतौरे प्रभावती, जगपति बाबू बतौरे देवराया, कुमार गोविंद बतौरे महादेवना, शरवती बतौरे कुमारी चौंगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार, मास्टर रोहत बतौरे पटारा, जो अविनाश बसी है शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौके पर तुरंत सिदेर ने ज़्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्री नवास घोड़ा ने तैयार किया था जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफ़ी हलचल मचा दी थी। बाद जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यूटेंट आराधना राम को शामिल किया जो अदाकारा मलियाश्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्वान कतीरा था जो कर्नाटक में मशहूर देवी कातरमा पर मंबी है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पति ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौके पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम प्रिंस पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महरता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलोर और हैदराबाद के मुख्य मकाम पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट
हरी कृष्णा दूरदर्शन के तवील अरसे से भी और अक्सर साथी हैं ने मसीह की तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद हेमनत रक्षिता सुरेश का तीरा थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री अभिषेक एम आर मधुष पर भरद्वाज विशाख नागा लपूरा अनबारागा का शीला युगराज बाटवानी हरी कृष्णा रिलीज एडिट। इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज़ करना था जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 के खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट Z5 और Z Canada इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी यूनियन एक्सप्रेस के श्रद्धा ने 5 में से 4 स्टार दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है। अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टार गारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है। दर्शन वापसी पर खुश आमदीद अदाकार OTT प्ले के सौरभ कदोर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है। थ्रोन सिदेर की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। हिंदू के विवेक MV ने एक फैसला किया। दर्शन के बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजू से नजर नहीं चुराता क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय व कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सलादाद शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजयवाणी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया जो तजारती अदाद शुमार और सरकारी अदाद शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। OTT प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह 2 दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि 2 दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डिकन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरा ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का कम आजाद शुमार। तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था जबकि बनाने वालों के जरिए ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती अदाद शुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमुई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन के सरकारी मजमू अदाद शुमार ट्रैक करदा अदाद शुमार के दरमियान फर्क 50 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी अदाद शुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फर्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थडे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बरजास्त किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपनी पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स
ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बजाया किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 का टीरा फिल्म का जय दर्शन ने थ्रोन सीजर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बर्जाश्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी थरुण सदेर ने की। हरी सराफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट, आराधना राम, जगपति बाबू हेमंत सिक्की भी, हरी कृष्णा ने तरतीब दी है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तरुण सदेर के है जरिए हिदायतकार तरुण सदेर की तहरीर करदा जगदीश कुमार को राख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम, जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक कस्बी हरी कृष्णा पैदावार कंपनी राख लाइन एंटरटेनमेंट तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्त चल रहा है। 183 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान कंट्र का बजट 45 करोड़ बॉक्स ऑफिस 23,034 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खलासा भीमा नाहली में एक लोहार कतीरा को अपने गांव के किसानों को जमीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मुतअद्दी चैलेंजों से निपटता है ताकि किसानों को जागीदारों देवेरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कतीरा के तौर पर दर्शन, आराधना राम बतौरे प्रभावती, जगपति बाबू बतौरे देवराया, कुमार गोविंद बतौरे महादेवना, शरवती बतौरे कुमारी चौंगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार, मास्टर रोहत बतौरे पटारा जो अविनाश बसी शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौका पर तुरंत सिदेर ने ज्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्री नवास घोड़ा ने तैयार किया था जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बाद में जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यूटेंट आराधना राम को शामिल किया जो अदाकारा मलियाश्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्नान का तीरा था जो कर्नाटक में मशहूर देवी का तर्मा पर मुंबई है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पनी ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम ब्रिंच पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महरता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलोरों और हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरी कृष्णा दर्शन के तवील अरसे से भी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद हेमनत रक्षिता सुरेश का तीरा थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री अभिषेक एम आर मधोश पर भरद्वाज विशाख नागा लपूरा अनबारागा का सीलाब युगराज बटवानी हरी कृष्णा रिलीज एडिट इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज़ करना था जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका।
ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नजर संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 के खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट जी फाइव और जी कनेडा। इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी इंडियन एक्सप्रेस के श्रद्धा ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है। अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए एक बेहतरीन स्टारकारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है, दर्शन वापसी पर खुश आमदीद। अदाकार ओ टी टी प्ले के सौरभ कदोर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है। थ्रोन से देर की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक MV ने एक फैसला किया, दर्शन के बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजूद से नजरें नहीं चुराता क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सलादादो शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजय वानी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया जो तिजारती अदादो शुमार और सरकारी अदादो शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। OTT प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह 2 दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि 2 दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डेकन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरा ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का कम। आजाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था जबकि बनाने वालों के जरिए ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती अदादोशुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमुई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन के सरकारी मजमू अदादोशुमार ट्रैक करदा अदाद शुमार के दरमियान फर्क 50 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी अदाद शुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फर्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थडे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बरजास्त किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपनी पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बरजास्त किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने थ्रोन सिदर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बर्जाश्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी थ्रोन सिदर ने की है। इसे राफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट आराधना राम और जगपति बाबू हैं। मसीकी भी हरी कृष्णा ने तरतीब दी है जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा
कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तुरंत सदैर की है जरिए हिदायतकार तुरंत सदैर की तहरीर करदा जगदीश कुमार को राख लाज मिलकटे स्टारिंग दर्शक ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की एम प्रकाश म्यूजिक भी हरि कृष्णा पैदावार कंपनी रॉक लाइन एंटरटेनमेंट तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्त चल रहा है 183 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान कंट्र का बजट 45 करोड़ बॉक्स ऑफिस 23,034 करोड़ इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खुलासा भीमा नाहली में एक लोहार कटीरा को अपने गांव के किसानों को जमीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मतदी चैलेंजों से निपटता है ताकि किसानों को जागीदारों देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कटीरा के तौर पर दर्शन आराधना राम बतौरे प्रभावती जगपति बाबू बतौरे देवराया कुमार गोविंद बतौरे महादेवना शरवती बतौरे कुमारी चौंगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार मास्टर रोहत बतौरे पटा राजो अविनाश बसिया शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौका पर तुरंत सिदेर ने ज़्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्री नवास घोड़ा ने तैयार किया था जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बाद में जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यू एंड आराधना राम को शामिल किया जो अदाकारा मलिया श्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्वान कतीरा था जो कर्नाटक में मशहूर देवी कातरमा पर मंबी है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिशवा शिशियारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पनी ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनके सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम प्रिंस पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महरता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलोरु और हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरि कृष्णा दर्शन के तवील अरसे से भी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद हेमनत रक्षिता सुरेश का तीरा थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री अभिषेक एम आर मधुष पर भरद्वाज विशाक नागा लपूरा अनबारागा का सिलाब युगराज बाटवानी हरि कृष्णा रिलीज एडिट इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज़ करना था जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 के खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट जी 5 और जी कनेडा इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी यूनियन एक्सप्रेस के शर्था ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर
श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है, अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टार गारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है, दर्शन वापसी पर खुश आमदीद। अदाकार ओ टी टी प्ले के स्वरूप कदौर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है, तुरंत से देर की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक एम वी ने एक फैसला किया, दर्शन की बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजूद से नजर नहीं चुराता, क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई, जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है, जबकि विजय कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सलादादो शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजय वानी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया, जो तजारती अदाद शुमार और सरकारी अदाद शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। ओटीटी प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह दो दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि दो दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डेकन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरण ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का कम। आजाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था, जबकि बनाने वालों के ऐलान करदा 1 करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती शुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमुई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन के सरकारी मजमू आदाद शुमार ट्रैक करदा अदाद शुमार के दरमियान फर्क 4 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी अदाद शुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फर्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें, जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थडे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बर्जास्त किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपने पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बर्जास्त किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने थ्रोन सीधर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बर्जास्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी थ्रोन सीधर ने की। हरी सराफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट, आराधना राम और जगपति बाबू हैं। मसीकी भी हरि कृष्णा ने तरतीब दी है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तुरंत सदीर के है जरिए हिदायतकार तुरंत सदीर की तहरीर करदा जगदीश कुमार को राख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक कस्बी हरि कृष्णा पैदावार कंपनी राख लाइन एंटरटेनमेंट्स। तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्त चल रहा है। 183 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान कंट्री का बजट 45 करोड़ बॉक्स ऑफिस 23.4
34 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खलासा भीमानाहली में एक लोहार कटीरा को अपने गांव के किसानों को ज़मीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मतदी चैलेंजों से निबटता है, ताकि किसानों को जागीदारों देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कटीरा के तौर पर दर्शन आराधना राम बतौरे प्रभावती, जगपति बाबू बतौरे देवराया, कुमार गोविंद बतौरे महादेवना, शरवती बतौरे कुमारी चौंगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार, मास्टर रोहत बतौरे पटा, राजो अविनाश बसी शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट। फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौका पर तुरंत श्रीदेव ने ज़्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्री नवास घोड़ा ने तैयार किया था, जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है, जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बाद जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया, जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यूटेंट आराधना राम को शामिल किया, जो अदाकारा मलिया श्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्वान का तीरा था, जो कर्नाटक में मशहूर देवी कातरमा पर मुंबई है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पनी ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम ब्रिज पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महरता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलोर और हैदराबाद के मुख्य मकाम पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया, जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरी कृष्णा दर्शन के तवील अरसे से भी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद हेमनत रक्षिता सुरेश का तीरा थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री अभिषेक एम आर मधुष भरद्वाज विशाख नागा लपूरा अनबारागा का सिलाब युगराज बटवानी हरिकृष्णा रिलीज एडिट। इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज़ करना था, जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 को खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट Z5 और Z Canada। इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी यूनियन एक्सप्रेस के श्रद्धा ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने बियन को महसूस किया है, अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज ने। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री देवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टार गारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है। दर्शन वापसी पर खुश आमदीद अदाकार OTT प्ले के सौरभ कदोर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है। थ्रोन सिदेर की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। हिंदू के विवेक MV ने
फैसला किया। दर्शन के बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजू से नजरें नहीं चुराता, क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई, जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय व कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सलादादो शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजय वानी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया, जो तजारती अदाद शुमार और सरकारी अदाद शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। OTT प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह दो दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि दो दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डेक्कन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरण ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का कम। आजाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था, जबकि बनाने वालों के जरिए ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती अदाद शुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमुई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह चार दिन के सरकारी मजमू अदाद शुमार ट्रैक करदा अदाद शुमार के दरमियान फर्क 4 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी अदाद शुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फर्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें, जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023। दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थडे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बरजास्त किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपनी पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बरजास्त किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने थ्रोन सीजर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बर्जाश्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी हदायतकारी थ्रोन सीजर ने की। हरी सराफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट, आराधना राम और जगपति बाबू हैं। मसीकी भी हरि कृष्णा ने तरतीब दी है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तुरंत सदीर के है जरिए हदायतकार तुरंत सदीर की तहरीर करदा जदीश कुमार स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक कस्बी हरि कृष्णा पैदावार कंपनी रॉक लाइन एंटरटेनमेंट। तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्त चल रहा है। 183 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान कंट्री का बजट 45 करोड़ बॉक्स ऑफिस 23.34 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खुलासा भीमा नाहली में एक लोहार कटीरा को अपने गांव के किसानों को जमीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मुतअद्दी चैलेंजों से निपटता है, ताकि किसानों को जागीदारों देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कतीरा के तौर पर दर्शन, आराधना राम बतौरे प्रभावती, जगपति बाबू बतौरे देवराया, कुमार गोविंद बतौरे महादेवना, शरवती बतौरे कुमारी चौंगना के तौर पर वाइजानाथ बिरादार,
मास्टर रोहत बतौरे पटा, राजो अविनाश बसी है शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट। फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौका पर तुरंत श्रीदेव ने ज्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्रीनिवास गौड़ा ने तैयार किया था, जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को एक पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है, जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बादशाह जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया, जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यू टेंडर रत्ना राम को शामिल किया, जो अदाकारा मलिया श्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्नान का तीरा था, जो कर्नाटक में मशहूर देवी का तर्मा पर मम्बी है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्य शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पन्नी ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम प्रिंस पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महर्ता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलोरों और हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया, जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरी कृष्णा दर्शन के तवील अरसे सेवी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद हेमनत रक्षिता सुरेश का तीरा थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री अभिषेक एम आर मधुश भरद्वाज विशाख नागा लपूरा अनबारागा का सीला योगराज बाटवानी हरी कृष्णा। रिलीज एडिट इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज करना था, जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 के खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट जी 5 और जी कनेडा। इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी इंडियन एक्सप्रेस के श्रद्धा ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है, अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टारकारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है। दर्शन वापसी पर खुश आमदीद अदाकार और टीटी प्ले के सौरभ कदोर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है। थ्रोन श्रीदेव की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक MV ने एक फैसला किया। दर्शन के बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजू से नजरें नहीं चुराता, क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई, जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय व कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि
तिजारत के मुताबिक सलादादो शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजय वानी ने पहले दिन का मजमू 14.89 करोड़ बताया, जो तजारती अदाद शुमार और सरकारी अदाद शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। OTT प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमू 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह 2 दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि 2 दिन की मजमू आमदनी 37.14 करोड़ थी। डेक्कन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरण ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का कम। आजाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमू तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था, जबकि बनाने वालों के जरिए ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती अदाद शुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमू आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन की सरकारी मजमू अदाद शुमार ट्रैक करदा अदाद शुमार के दरमियान फर्क 50 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमू को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी अदाद शुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फर्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें, जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थ अड्डे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बरजास्त किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपनी पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बरजास्त किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने थ्रोन सीजर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बरजास्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी थरोन सदर ने की है। इसे राफलाइन वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट, आराधना राम और जगपति बाबू हैं। मसीकी भी हरी कृष्णा ने तरतीब दी है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तुरंत सदीर की है जरिए हिदायतकार तुरंत सदीर की तहरीर करदा जगदीश कुमार को राख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक भी हरि कृष्णा पैदावार कंपनी राख लाइन एंटरटेनमेंट। तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्त चल रहा है। 183 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान कंट्र का बजट 45 करोड़ बॉक्स ऑफिस 23.34 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खुलासा भीमा नाहली में एक लोहार कतीरा को अपने गांव के किसानों को जमीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मुतअद्दी चैलेंजों से निपटता है, ताकि किसानों को जागीरदारों देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कतीरा के तौर पर दर्शन, आराधना राम बतौरे प्रभावती, जगपति बाबू बतौरे देवराया, कुमार गोविंद बतौरे महादेवना, शरवती बतौरे कुमारी चौंगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार, मास्टर रोहत बतौरे पटा, राजो अविनाश बसिया शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौका पर तुरंत सिदेर ने ज़्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्री नवास घोड़ा ने तैयार किया था, जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है, जिस
ने फिल्म के इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बादशाह जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया, जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यूट एंटरना राम को शामिल किया, जो अदाकारा मलयाश्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्वान का तीरा था, जो कर्नाटक में मशहूर देवी का तर्मा पर मुंबई है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पन्नी ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम प्रिंस पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महर्ता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलुरु और हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया, जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरी कृष्णा दर्शन के तवील अरसे सेवी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद हेम रक्षिता सुरेश का तेरा थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री अभिषेक एम आर मधुश पर भरद्वाज विशाख नागा लपुरा अनबारागा का सीला युगराज बाटवानी हरी कृष्णा रिलीज एडिट। इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज करना था, जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 के खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट जी 5 और जी कनेडा। इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी यूनियन एक्सप्रेस के श्रद्धा ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है, अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज ने। दी टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टारकारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है, दर्शन वापसी पर खुश आमदीद। अदाकार ओ टी टी प्ले के स्वरूप कदौर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है। थ्रोन से देर की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक एम वी ने एक फैसला किया, दर्शन के बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजूद से नजर नहीं चुराता, क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई, जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय व कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सलादादो शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजय वानी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया, जो तजारती अदाद शुमार और सरकारी अदाद शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। ओ टी टी प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह 2 दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि 2 दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डेकन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरा ने इसे तखमीना
लगाया। 17.75 करोड़ का काम आजाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमू तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था, जबकि बनाने वालों के ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती शुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमू आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन के सरकारी मजमू आदाद शुमार ट्रैक करदा आदाद शुमार के दरमियान फर्क 50 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी अदाद व शुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फ़र्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें, जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थ डे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बर्खास्त किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपने पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बर्खास्त किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने थ्रोन सीजर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बर्खास्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी थरोन सदर ने की। हरी सराफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट आराधना राम रजकपति बाबू हैं। मसीकी भी हरी कृष्णा ने तरतीब दी है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तरुण सदीर के हैजरिए हिदायतकार तरुण सदीर की तहरीर करदा जगदीश कुमार को राख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक एसबी हरि कृष्णा पैदावार कंपनी राख लाइन एंटरटेनमेंट्स तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्चा रहा है। 183 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान कंटर का बजट 45 करोड़ बॉक्स ऑफिस 23.34 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खुलासा भीमा नाहली में एक लोहार कतीरा को अपने गांव के किसानों को जमीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मतदी चैलेंजों से निबटता है, ताकि किसानों को जागीदारों देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कतीरा के तौर पर दर्शन आराधना राम बतौरे प्रभावती जगपति बाबू बतौरे देवराया कुमार गोविंद बतौरे महादेवना शरवती बतौरे कुमारी चौंगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार मास्टर रोहत बतौरे पटा राजो अविनाश बसी शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन के सालगिरह के मौके पर तुरंत सिदेर ने ज्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्री नवास घोड़ा ने तैयार किया था, जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है, जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बाद में जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया, जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यूटेंट आराधना राम को शामिल किया, जो अदाकारा मलिया श्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्वान कतीरा था, जो कर्नाटक में मशहूर देवी कातरमा पर मुंबई है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पति ने लिखा है।
मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम ब्रिज पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महरता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलुरु और हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया, जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरि कृष्णा दिग्दर्शन के तवील अरसे से भी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद हेमनत रक्षिता सुरेश का तीरा थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री अभिषेक एम आर मधुश भरद्वाज विशाख नागा लपूरा अनबारागा का शीला युगराज बाटवानी हरि कृष्णा रिलीज एडिट इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज़ करना था, जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 को खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट Z5 और Z Canada इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी यूनियन एक्सप्रेस के शर्ता ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है, अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज ने। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टार गारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है। दर्शन वापसी पर खुश आमदीद अदाकार OTT प्ले के स्वरूप कदौर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है। थ्रोन से देर की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक MV ने एक फैसला किया। दर्शन के बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजूद से नजर नहीं चुराता, क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई, जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय व कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सलादादो शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजय वानी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया, जो तजारती अदाद शुमार और सरकारी अदाद शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। OTT प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह दो दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि दो दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डेक्कन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरण ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का कम। आजाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था, जबकि बनाने वालों के जरिए ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती अदादशुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमुई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन के सरकारी मजमू अदादशुमार ट्रैक करदा अदाद शुमार के दरमियान फर्क 50 से ज्यादा होगा।
नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है ऐलान करदा सरकारी अदादोशुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फ़र्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें जो कि 50% तक है। मंजूनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थडे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बरजास्त किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपनी पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बरजास्त किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने थ्रोन सीजर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बर्जाश्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हदायतकारी थरोन सदर ने की। हरी सराफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट, आराधना राम और जगपति बाबू हैं। मसीकी भी हरी कृष्णा ने तरतीब दी है जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तरुण सदीर की है जरिए हदायतकार तरुण सदीर की तहरीर करदा जगदीश कुमार राख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक भी हरि कृष्णा पैदावार कंपनी राख लाइन एंटरटेनमेंट तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्त चल रहा है। 183 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान कंट्री का बजट 45 करोड़ बॉक्स ऑफिस 23.34 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खुलासा भीमा नाहली में एक लोहार कतीरा को अपने गांव के किसानों को ज़मीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मतदी चैलेंजों से निबटता है ताकि किसानों को जागीदारों देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कतीरा के तौर पर दर्शन, आराधना राम बतौरे प्रभावती, जगपति बाबू बतौरे देवराया, कुमार गोविंद बतौरे महादेवना, शरवती बतौरे कुमारी चौंगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार, मास्टर रोहत बतौरे पटा, राजो अविनाश बसी शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौके पर तरुण सिदेर ने ज़्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्री नवास घोड़ा ने तैयार किया था जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफ़ी हलचल मचा दी थी। बाद में जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यूटेंट आराधना राम को शामिल किया जो अदाकारा मलिया श्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्वान कतीरा था जो कर्नाटक में मशहूर देवी कातरमा पर मंबी है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पनी ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौके पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम ब्रिंज पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महरता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलोरों और हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट
हरी कृष्णा दूरदर्शन के तवील अरसे से भी और अक्सर साथी हैं ने मसीह की तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद हेमनत रक्षिता सुरेश का तीरा थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री अभिषेक एम आर मधुष पर भरद्वाज विशाख नागा लपूरा अनबारागा का सीलाब योगराज बाटवानी हरी कृष्णा रिलीज एडिट। इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज करना था जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका। ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नज़र संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 के खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट Z5 और Z कनेडा इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी यूनियन एक्सप्रेस के शर्था ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है। अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज ने द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टारगारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है। दर्शन वापसी पर खुश आमदीद अदाकार OTT प्ले के सौरभ कदोर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है। थ्रोन श्रीदेव की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक MV ने एक फैसला किया। दर्शन के बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजूद से नजरें नहीं चुराता क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय व कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सलादाद शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजयवाणी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया जो तजारती अदाद शुमार और सरकारी अदाद शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। OTT प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह दो दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि दो दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डिकन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरा ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का कम। आजाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था जबकि बनाने वालों के जरिए ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती अदाद शुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमुई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन के सरकारी मजमू अदाद शुमार ट्रैक करदा अदाद शुमार के दरमियान फर्क 4 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी अदाद शुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फर्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थ अड्डे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बाजार किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपनी पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स
ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बजाया किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 का टीरा फिल्म का जय दर्शन ने थ्रोन सीधर के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बर्जाश्त किया गया। कतीरा एक 2023 की हिंदुस्तानी कन्नड़ जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी थरुण सदेर ने की है। इसे राफ राम वेंकटेश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दर्शन डेब्यूटेंट, आराधना राम, रजकपति बाबू है, मसीकी भी हरी कृष्णा ने तरतीब दी है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग सिद्धाकर ने संभाली है। एस राज और के एम प्रकाश कतरा कतीरा थिएटर लेस पोस्टर तुरंत सदेर के है जरिए हिदायतकार तुरंत सदेर की तहरीर करदा जगदीश कुमार को राख लाल वेंकटेश स्टारिंग दर्शन ने प्रोड्यूस किया। आराधना राम, जगपति बाबू सिनेमाटोग्राफी सिद्धाकर एस राय ने तरमीम की। एम प्रकाश म्यूजिक भी हरी कृष्णा पैदावार कंपनी राख लाइन एंटरटेनमेंट। तारीख रिहाई 29 दिसंबर 2023 वक्त चल रहा है। 183 मिनट। मुल्क हिंदुस्तानी जुबान। कंट्री का बजट 45 करोड़। बॉक्स ऑफिस 23.34 करोड़। इसे 29 दिसंबर 2023 को नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए जारी किया गया था। कास्ट एडिट खलासा भीमा नाहली में एक लोहार कटीरा को अपने गांव के किसानों को जमीनी असलाहत एक्ट पर अमल दरामद करने का मदद करने के लिए मुतअद्दिद चैलेंजों से निपटता है ताकि किसानों को जागीदारों देवरिया और काली घोड़ा से बचाया जा सके। कास्ट एडिट कतीरा के तौर पर दर्शन, आराधना राम बतौरे प्रभावती, जगपति बाबू बतौरे देवराया, कुमार गोविंद बतौरे महादेवना, शरवती बतौरे कुमारी चौंगना के तौर पर वाइजा नाथ बिरादार, मास्टर रोहत बतौरे पटा, राजो अविनाश बसी शान भोगा। प्रोडक्शन एडिट तरक्की और कास्टिंग एडिट। फिल्म का इफ्तिताही ऐलान 16 फरवरी 2022 को दर्शन की सालगिरह के मौका पर तुरंत सिदेर ने ज्यादा तफसीलात बताए बगैर किया था। इब्तदाई तौर पर कहा जाता है कि इस मंसूबे को उमापति श्री नवास घोड़ा ने तैयार किया था जो कि अमल में नहीं आया। बाद में रॉक लाइन वेंकटेश ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और 16 फरवरी 2022 को पोस्टर जारी करके ऐलान किया गया। पोस्टर में एक कुत्ते को दिखाया गया था जो भेड़ों के एक ग्रोह की क्यादत कर रहा है जिस ने फिल्म के इर्द गिर्द काफी हलचल मचा दी थी। बाद में जगपति बाबू को मुखालिफ किरदार अदा करने के लिए शामिल किया गया जिसकी हदायतकार ने तस्दीक की। टीम ने डेब्यूटेंट आराधना राम को शामिल किया जो अदाकारा मलिया श्री की बेटी हैं। एक साल बाद 26 फरवरी 2023 को मेकर्स ने अदाकारी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए फिल्म का टाइटल और पहली शक्ल का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का उन्नान का तीरा था जो कर्नाटक में मशहूर देवी का तर्मा पर मुंबई है। इस प्रोजेक्ट को गुरु शिष्यारो शोहरत की जगदीश कुमार हम्पनी ने लिखा है। मारूफ डायलॉगिंग राइटर मस्ती को बोर्ड में लाया गया। मकबूल अदाकार कुमार गोविंद को 17 मार्च 2023 को इनकी सालगिरह के मौका पर एक पोस्टर जारी करके शामिल किया गया। फिल्म बंदी की तरमीम। प्रिंस पर फोटोग्राफी का आगाज 5 अगस्त 2022 को एक महरता के साथ हुआ। शूटिंग बेंगलोरु और हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हुई। फिल्म ने 12 सितंबर 2023 को बेंगलोर में एक प्रेस मीटिंग का अहतमाम किया जहां ये इंकशाफ हुआ कि फिल्म के बड़े हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और इसके बाद जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। म्यूजिक एडिट हरी कृष्णा दर्शन के तवील अरसे से भी और अक्सर साथी हैं ने मसीकी तरतीब दी है। ट्रैक की फहरिस्त नंबर नागिदर प्रसाद हेमनत रक्षिता सुरेश का तीरा थीम सॉन्ग पेंट आर्या निर्वदा शास्त्री अभिषेक एम आर मधोश पर भरद्वाज विशाख नागा लपूरा अनबारागा का सीलाब युगराज बाटवानी हरी कृष्णा। रिलीज एडिट इब्तदाई तौर पर प्रोड्यूसर का मकसद फिल्म को दशहरा के मौका पर रिलीज़ करना था जो कि प्रोडक्शन में तखीर की वजह से नहीं हो सका।
ये कयास किया जा रहा है कि टीम की नजर संक्रांति या फरवरी 2024 की रिलीज पर है। बनाने वालों ने ऐलान किया कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2023 के खसूसी वीडियो के जरिए रिलीज की जाएगी। ये फिल्म के डिजिटल हकूक खरीदे स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट जी फाइव और जी कनेडा। इस्तकबालिया तनकीदी इस्तकबालिया दिनी विनीन एक्सप्रेस के श्रद्धा ने 5 में से 4 सितारे दिए और इजहार किया कि दर्शन ने अभी तक अपनी बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया। डायरेक्टर थ्रोन श्रीदेव ने दर्शन के स्टारड्रम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को महसूस किया है, अगरचे खाम और दयाई बयानिया में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज ने। दी टाइम्स ऑफ इंडिया के एस श्री श्रीदेवी ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि फिल्म दर्शन के लिए बेहतरीन स्टारकारी होने के साथ साथ एक अहम पैगाम देती है। अब ये कहने का अच्छा वक्त है, दर्शन वापसी पर खुश आमदीद। अदाकार ओ टी टी प्ले के सौरभ कदोर ने 5 में से 3.5 स्टार्स दिए और लिखा कि चैलेंजिंग स्टारिंग दर्शन ठोस है। थ्रोन से देर की अच्छी मतलब वाली फिल्म मैसर है। दी हिंदू के विवेक MV ने एक फैसला किया, दर्शन के बड़े पैमाने पर अपील मनाने के बावजूद कतीरा अपने मौजूद से नजरें नहीं चुराता, क्योंकि ये अपने पैगाम को तकरीबन सही अच्छी तरह खुराक के साथ मुतवाजन रखता है। बॉक्स ऑफिस एडिट दिन एक से बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के मजमुओं के हवाले से मतजाद रिपोर्ट सामने आई, जिनका बाजाबता तौर पर मेकर्स ने ऐलान किया है और इंडस्ट्री ट्रैक्टर के अंदाजे की रकम है। जबकि विजय व कर्नाटक ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन के मजमुओं का बाजाबता तौर पर बनाने वालों ने 19.89 करोड़ होने का ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबरदार किया कि तिजारत के मुताबिक सलादादो शुमार सिर्फ 9 करोड़ के हो सकते हैं। विजय वानी ने पहले दिन का मजमुआ 14.89 करोड़ बताया, जो तजारती अदाद शुमार और सरकारी अदाद शुमार दोनों से 5 करोड़ के बराबर था। OTT प्ले और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन खालिस मजमुआ 11 करोड़ बताए हैं। दिन एक की तरह 2 दिन के मजमुओं के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, जबकि बनाने वालों ने ऐलान किया कि 2 दिन की मजमुई आमदनी 37.14 करोड़ थी। डेक्कन ने इससे सिर्फ 18.82 करोड़ लगाया और जागरा ने इसे तखमीना लगाया 17.75 करोड़ का। कम आदाद शुमार तजारत ने पहले हफ्ते के आखिर में मजमुई तौर पर सिर्फ 27.60 करोड़ से 35 करोड़ का तखमीना लगाया था, जबकि बनाने वालों के जरिए ऐलान करदा करोड़ था। इस तरह पहले पीर के आखिर में बनाने वालों ने 36.99 करोड़ की तजारती अदादोशुमार के मुकाबले में 36.34 करोड़ की मजमुई आमदनी का ऐलान किया। इस तरह 4 दिन की सरकारी मजमू अदादोशुमार ट्रैक करदा अदाद शुमार के दरमियान फर्क 50 से ज्यादा होगा। नोटिस एडिट पहले दिन से ही मजमुई को रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ डिग्री है। ऐलान करदा सरकारी अदाद शुमार और तजारती तखमीनों के दरमियान फर्क के तफसीलात के लिए बॉक्स ऑफिस सेक्शन देखें, जो कि 50% तक है। मंजुनाथ बी कोटा गन्नासी 16 फरवरी 2023 दर्शन की नई फिल्म का टाइटल बर्थडे पर सामने आई है। कतीरा 1974 की बगावत की कहानी सुनाने जा रही है। 11 अगस्त 2023 को बर्जास्त किया गया कतीरा मूवी रिव्यू। कतीरा एक ऐसी फिल्म है जो दर्शन को एक बड़े हीरो और अदाकार के तौर पर अपनी पूरन शाह के साथ पेश करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 को बर्जास्त किया गया। मी एंड विवेक 29 दिसंबर 2023 कटीरा फिल्म का जायजा। दर्शन ने थ्रोन श्रीदेवी के पुराने स्कूल कमर्शियल इंटरव्यू को ताकत दी। हिंदू 31 दिसंबर 2023 को बर्जास्त किया गया।